मैं डॉक्टर जयलक्ष्मी गांगुली पीआई एग्रीपॉन बायो कंट्रोल और प्रोफेसर एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर। मैं भी जैविक खाद और ये जो आप जो प्रोसेस कर रहे हैं जो आपको बायो कंट्रोल वाला जो सिस्टम उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। हम लोग का ये जो बायो कंट्रोल लैब है ये शुरुआत हुआ था मार्च 2015 में। शुरू में ये एक वॉलेंटियर सेंटर था और हमारे विश्वविद्यालय से फंडेड चलता था और इसमें हमारे कुलपति महोदय का बहुत बड़ा सहयोग था और 2018 में ये हमको कंटिजेंसी सेंटर के में तब्दील हुआ और अब हमें ICR से इसकी फंडिंग हो रही है। इस बायो कंट्रोल लैब में हम विभिन्न प्रकार के परजीवी और परभक्षी कीटों का संवर्धन कर रहे हैं जिसमें प्रमुख है कॉर्सैरा सिफेलोनिका जो है उसका उत्पादन। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम कॉर्सैरा का उत्पादन करते हैं जिससे कि हमें अंडों की नियमित रूप से प्राप्ति हो पाए और साथ ही इल्ली भी मिल पाए। इल्लियों द्वारा हम दूसरे कीटों को भोजन प्रदान किया जाता है और उन्हीं की वजह से वो उस पर पलते हैं और आगे चलकर अपना जीवन चक्र चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्राइको कार्ड बना रहे हैं हम लोग क्योंकि जो कॉर्सैरा के जो अंडे प्राप्त होते हैं उससे हम ट्राइको कार्ड्स बना रहे हैं और इसे हम फील्ड में बकायदा दे रहे हैं। फार्मर्स फील्ड तक भी हमारा ये पहुंच चुका है। इसमें KVK में जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट हैं उनके सहयोग से हम ट्राइको कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने महासमुंद KVK में और बेमेतरा में और दुर्ग पहंदा वगैरह जगह में हमने बहुत सफलतापूर्वक किया है और वहाँ के किसान इसे उपयोग कर रहे हैं तना छेदक के विरुद्ध। और साथ ही साथ रायपुर में भी जो एग्रीकॉन राइस में जो प्रयोग चल रहे हैं उसमें भी हमारा ये कार्ड को उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह में भी हम ब्रेको कार्ड्स को दे रहे हैं और उसके भी हमको अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इल्लियों को वो सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में सक्षम है। चूँकि आने वाला समय जैविक कीट नियंत्रण का ही है और इसमें हम कोई भी प्रकार का रासायनिक उत्पाद का प्रयोग नहीं करते हैं और ये पर्यावरण तथा ह्यूमन बीइंग्स के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सेफ है। आगे चलकर हमको पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे जल वायु और मिट्टी एकदम बची रहती है और इसका हम संरक्षण आसानी पूर्वक कर सकते हैं। रासायनिक कीटों में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी वो थी कि रिसर्जेंस की समस्या, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना, ये सबसे हमको पार पाना बहुत मुश्किल होता था। और साथ में जो अवशेषों की समस्या है वो हमारे लगभग हर प्रकार के खाद्य प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो इससे बचने के लिए आजकल सभी किसान भाई जैविक खेती को अपना रहे हैं और जब भी हम जैविक खेती की बात करते हैं तो उसमें ये जैविक कीट नियंत्रण कारक का भी बहुत बड़ा योगदान है और आगे चलकर इन्हीं की मदद से हमें कीट नियंत्रण करना है।